हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं ये डेटॉल के बारे में, फेविक्विक के बारे में। अब इस डेटॉल को इस फेविक्विक के साथ हम लोग इस ग्लास में करने वाले हैं मिक्स और देखते हैं कि इसमें क्या नया होने वाला है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार। फाइनली हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है और हम लोग को एक मिक्स करने वाले हैं। तो गाइज, अभी अपने पास एक ग्लास है, डेटॉल को हम लोग ये मिक्स करते हैं। पहले डेटॉल हमने लिया और डेटॉल को इसमें हमने लिया। वाओ, इसको देख करके आपको कुछ नया ही फील आ रहा होगा। जब तक मैं ये कर रहा हूँ गाइज, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी ये अब इसको फेविक्विक को हम लोग इसमें मिक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें क्या होने वाला है। ये माइक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि इसमें किसी भी तरह का जो भी चेंज जाएगा इसके वाइब्रेशन को ये माइक बखूबी अच्छे से समझ पाएगा। ओके, हमने यहाँ पे रख दिया, ये है फेविक्विक। और प्लीज़ हमारे चैनल को, यदि आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस काम को घर पर नहीं करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गाइज, अब ये अपने पास फेविक्विक है और इस फेविक्विक को हम लोग डालते हैं इस डेटॉल में और देखते हैं कि इसके साथ क्या होने वाला है। आप इस वाइब्रेशन को सुन पा रहे होंगे, कुछ बुट बुट जैसी आवाज आ रही है, बुट जैसी आवाज आ रही है। अपने पास दूसरा फेविक्विक है, ये है, इसे इसको हमने यहाँ पे डाला है। ओ भाई साहब, ये कुछ नया ही रूप ले रहा है गाइस। ओके, एक और हमारे पास है। ओके, प्लीज डोंट डू दिस, ये खतरनाक हो सकता है। ये मिक्स कर दिया हमने। ये भाई साहब, ये क्या हुआ? मैं हमने डाल दिया, तीन तीन फैब्रिक को हमने इसमें डाला है और थोड़ा ही ये अभी तक तो कुछ भी ऐसा, ये हल्का हल्का सा गर्म हो गया है। यस है जी, पूरा प्लास्टिक, इसके अंदर का जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक क्योंकि फेविक्विक करता क्या है कि खुद में ही अपने ये को मिक्स करता है। अब एक अपने पास एक छोटा सा एक और है, इसको भी मैं इसमें मिक्स करता हूँ। ये कुछ आप देखो, यदि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर हल्का हल्का भीतर भाप बन के निकल रहा है। में क्या हुआ, ये गर्म हो चुका है गाइज। अब इसको, इस डेटॉल को हम लोग में उसको पहले बाहर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये वाव, क्या अतरंगी चीजें बन के निकल के रही है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि इस कटोरे में सारे डेटॉल को मैं बाहर निकाल देता हूँ। गाइस, ये डेटॉल हमने कर दिया है इसे बाहर। अब ये जो चीज हुआ इसको, ये गर्म है, हल्का हल्का सा ये गर्म है और ये कुछ इस तरह का, बच्चे आप देखोगे तो हल्का हल्का आप निकल रहा है।
को यदि मैं इसको तोड़ूं तो तोड़ने के बाद इसमें से क्या निकल के आता है, काफी एक दूसरे से ये चिपक गया है जोर से। ये तीन तीन फेविक्विक के लेयर थे और ये गाइस टूट नहीं रहा है। मुझे ये एक तरह का एक्सप्लोजन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। ये जो हमने पहला फेविक्विक डाला था, यस ये अलग गजब की खुशबू है। प्लीज़ इसको आप घर पर ट्राई नहीं करें। मेरे हाथ में ये सब चिपक चुका है, यहाँ देखो, इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मन में आया कि ऐसा करना चाहिए और हमने कर दिया। अब आपसे लेता हूँ मैं अलविदा और मिलते हैं फिर नए इस तरह के नए नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।